तो ये लगाया है मम्मी के पैर पे और मम्मी कहती है कि मुझसे चला नहीं जाता, कि एक तो मेरा पैर भारी है, ऊपर से तूने ये पहना के मुझे और भारी 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 कर दिया मेरे पैरों को। हैं मम्मी क्या चाहिए? जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। ठंडा पानी चाहिए? ठंडा पानी, हाँ हाँ ठंडा पानी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत दिन के 1:30 बजे से हो रही है। सुबह से जो है काम काज में लगी हुई थी मैं, इधर सारा साफ वाफ कर दिया, अभी मम्मी दोबारा सो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना घर पर, सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं जा रही हूँ कूलर में पानी डालने, मेरी बहन तो चली गई है, लेकिन बाहर हवा तो चल रही है लेकिन लू है हवा में भी बहुत। एक सेकंड पहले मैं चलती हूँ। बाप रे, मतलब बाहर जाना ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म। मौसम का तो क्या ही बोलना है, यहाँ का मौसम का कुछ नहीं बोल सकते। भर गया क्यों, बस इतना ही पानी डालना था तो उसने भर दिया था, तो सिस्टर ने भर दिया इसमें पानी। लेकिन पता है इस कूलर की भी कोई हवा नहीं जा रही है, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ये खेत देखो, मैं रोज़ शाम को यहाँ पानी डालती हूँ, लग रहा है यहाँ पानी डाल लूँगे। देखो इस खेत में ना लहसुन बोए थे, आधे लहसुन यहीं पड़े हुए, ये देखो ये कल निकाले मैंने, आजकल देखो। एक तो ये फ़ोटो देखो, इसमें मेरी दादी गायब हो गई है, इस फोटो में मेरी दादी थी, मेरी दादी नहीं दिख रही है इसमें पूरा। मतलब क्या होता है बरसात के टाइम पे इतनी बारिश होती है कि पूरा ये जो मंदिर है ना ये नीचे एक तो नीचे पूरा नीचे है ये ज़मीन पे लगा हुआ, थोड़ा सा उठा के बनाते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। और इसमें क्या होता है पानी भर जाता अंदर और पूरी फ़ोटो में भी जा रखा था पानी, अब देखो पूरा ऐसा हो गया है, इसलिए इसको साफ़ किया था, बाहर रखा है सारा सामान। इसमें मैंने भिंडी बोई है, वो भी कैसे आएगी, मैं तो यही सोच रही हूँ, इतनी गर्मी, इस गर्मी में तो मुश्किल ही है कोई भी चीज़ लगाना। अभी तो मुझे बिल्कुल भी कोई पौधा नज़र नहीं आ रहा है, आ तो रहे हैं एक दो, पता नहीं घास है या फिर भिंडी हो रही है, पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है इतनी गर्मी। तो इस धूप में मेरी बस की तो नहीं है बाहर रहना, मैं जा रही हूँ अंदर। आज मैंने बाहर झाड़ू नहीं लगाया, मैंने सोचा कि शाम को ही लगाऊंगी, क्योंकि इतने दिन दोपहर में बाहर निकलना मतलब खुद पे दो चपत मारने बराबर हो गया, बहुत हालत ख़राब है। मतलब सुबह के 8 बजे से इतनी तेज़ धूप लगती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, ऊपर से मेरे को ना फेस कवर करने की आदत नहीं है बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होती है, अजीब सा लगता है। कमेंट आते रहते हैं कि फेस ढक के जाया करो, बट वही है मुझसे नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी लाइव आने के लिए बोला था तो लाइव में भी जुड़ते हैं और पानी पी लेती हूँ इससे पहले। आज मैं पानी भी रखूँगी साथ में क्योंकि मम्मी को भी प्यास लग जाती है और मम्मी को लेके ही आ रही हूँ मैं फिर से। तो देखते हैं कोई गलत कमेंट करेगा तो प्लीज़ सुनने के लिए तैयार रहना पहले से ही, और गलत कमेंट करेंगे तो मेरे मुँह से दो चार और सुनने के लिए तैयार है। वैसे मैं आज अगर कोई गलत कमेंट करेगा उसका कोई रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, उसे मैं पढ़ूंगी नहीं और पहले ही हाइड कर दूंगी चैनल से, ताकि वो करे ही ना, और मैं दूंगी नहीं बिल्कुल रिप्लाई नहीं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना मूड ही ख़राब होता अपना, इसलिए मैं मूड ख़राब नहीं करना चाहती। बस जिनके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे वो पढ़ूंगी, बाकी नहीं पढ़ूंगी। ओके, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 4 और छुपिया मेरे ऊपर को देख रहा कैसे हो रही है। तो शाम के 4 बज रहे हैं, मम्मी को नहला दिया मैंने, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा खेत में काम करने के बाद क्या मैं ना जाऊँ, फिर मम्मी को ले जाऊँगी घुमाने के लिए, तो थोड़ी देर में उनको घूमना भी होगा। अभी तो अंदर बैठी हुई हैं क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, 5-6 तो बज गए हैं पर फिर भी गर्मी हो रही है। 7 बजे के आसपास ले जाऊँगी, तब तक मैं ये खेत का काम निपटा देती हूँ और फिर नहाऊँगी, उसके बाद जाके मम्मी को घुमाने जाएंगे। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा जब समय है तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए और साथ ही साथ आपसे कुछ बातें शेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएँ कौन कौन सी होती हैं। तो आप लोग पहले तो कमेंट करना बिना मेरे आगे कुछ बोले, आप सब कमेंट करना कि कौन सी वो 3 मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जो व्यक्ति की होती हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूँ, रोटी, कपड़ा और मकान।
कपड़ा और मकान के अभाव में भी व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है, परंतु रोटी नहीं मिलेगी तो ये जीवन काटना असंभव हो जाएगा। भूखे रहकर तो भजन भी नहीं होता, इसलिए कहा गया है, भूखे भजन ना होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, और भोजन कारखानाओं में नहीं बनाया जा सकता। किसान अपना पसीना बहाकर खाद्यान्न, साग सब्जी, सन, कपास, फल फूल धरती पर उपजाता है, जिनसे कि हमारा जीवन सरल हो जाता है। कृषि को एक उद्योग कहना बहुत ही प्रगतिशील विचार है। खेती करने की इंसानी क्षमता हमारी सभ्यता का आधार है। अगर हम शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले होते तो कभी इस सभ्यता का विकास ना होता। मिट्टी से भोजन निकालने की अपनी क्षमता के कारण हमने शहर और नगर बनाए और वहाँ बस गए। कई दूसरी कलाएं, विज्ञान और बाकी चीज़ें विकसित हुई। अगर हम भाला लेकर किसी जानवर के पीछे भाग रहे होते तो हम कभी भी इस सभ्यता का विकास नहीं कर पाते। अमेरिका के लोग मिट्टी को धूल या गंदगी कहते हैं, यहाँ हम थाई मनु यानी धरती माँ कहते हैं, क्योंकि हमारा इस मिट्टी से गहरा रिश्ता है। कृषि हमारी सभ्यता का आधार है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये थी कृषि से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने सोचा कि काम के साथ साथ आप लोगों के साथ साझा कर दूँ। तो कैसे लगी आपको ये बातें? वैसे मैं काफ़ी टाइम से ऐसे व्लॉगिंग करने की सोच रही थी जिसमें कि मैं बैकग्राउंड वॉइस करूँ, यानी कि ऐसी चीज़ें कुछ अलग सा करना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कई बार कि व्लॉगिंग करने का कुछ नया तरीका ढूंढा जाए, तो यही था वो एक छोटी सी कोशिश। मैं सोचती हूँ कि बीच बीच में एक प्यारी सी स्टोरी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, बट अभी ये स्टोरी तो नहीं है, ये कृषि से रिलेटेड ही कुछ बातें थी जो मैं सोच रही थी आप सभी लोगों को बताऊँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी भी डाल दिया है, मेरी सिस्टर ने ही डाल दिया है पानी, और साथ में ये मुंगरी बोले तो मक्का, मक्के के बीज लगाने थे आज मुझे, मैंने कल रात भिगो के रखे हुए थे, सोचा कि चलो इनको भी साथ के साथ बो देते हैं और फटाफट मेरा काम भी हो जाएगा और आप सभी लोगों से थोड़ा बहुत बातें भी हो जाएंगी, जो कि हो चुकी है। तो कैसे लगी आपको मेरी बातें बताइएगा ज़रूर। बाकी तो व्लॉग कंटिन्यू करना ही है मैंने, और ऐसी बातें बीच बीच में कभी कभी करा करूँगी मैं आप सभी लोगों के साथ। ओके देखो फ्रेंड, यहाँ पे कितनी बार करने के बावजूद फिर से घास जम जाती है, और इसको भी दिन में नहलाया था, इतनी गर्मी हो रही है, छी इसने टॉयलेट कर दी, वॉशरूम कर दी इस बदतमीज, अब तो कर दी इसने, सारे लोगों को दिखा दिया बदतमीज ने, तमीज नहीं है आपको, ऐसे करोगे मेरे सब्सक्राइबर के साथ, गलत बात है कालू जी, ये बहुत गलत बात। इसको देखो, इसको क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, करो मेरे हिस्से की गुड़ाई आप ही कर लो, हैं? हम नहीं करेंगे। चलिए, तो मम्मी को इस तरीके से चलाते हैं हम, पैरों में ये बांध के। इसका नाम भूल गई मैं, क्या बताया था उन्होंने, क्या नाम बताया था इसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इसको बांध के चलती हमारी माता श्री। तो चलिए, तन्नी बोलो आई, यहाँ पे भाई और तन्नू का शानदार जोरदार मैच होता हुआ। भाई की तो हाइट ही कितनी सी है, खेलने के लिए तेज है, मम्मी कह रही थी। तो यहाँ पे तो लगा दिया मैंने, इसके बाद मैं नहा भी गई थी। चलिए हैं, एक मम्मी है, क्या कहता वो तो दिया है, तब हल्का हल्का दिया है ना, नहीं तो पानी बहुत गर्म हो रखा है खेत भैया, चाहिए पानी तो चाहिए। ठीक है, चलो तो ये लगाया है मम्मी के पैर पे, और मम्मी कहती है कि मुझसे चला नहीं जाता, कि एक तो मेरा पैर भारी है, ऊपर से तूने ये पहना के मुझे और भारी 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 कर दिया मेरे पैरों को, है मम्मी।
और ये है कि पहले से बहुत फर्क है, मम्मी खुद चलने लगी है, नहीं तो बहुत डरती है बाहर भी, मतलब हाथों में लाठी लेके चलने लगी है। शाम का वक्त है पर लेकिन देखिए एक बूंद हवा तक नहीं है, हवा तक बिल्कुल, हवा की तो बिल्कुल ही है। मम्मी को भी नहलाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अपने से पहले तो मैंने मम्मी को ही नहलाया था क्योंकि मम्मी को फिर पसीना आने लग गया, इतनी गर्मी है, पानी ऊपर से अलग नहीं आ रहा है। तो चारों तरफ देखो धुआं ही धुआं हो रहा है, ये इधर भी उधर भी सारे कूड़ कबाड़ हो रहे हैं। तो मम्मी अपनी जेठानी को याद कर रही थी, हैं तो नहीं बोलती ताई जी नहीं आई आज बहन, वो रही और देखो वो रही वहां बैठी हैं। अच्छा हाँ ताऊ जी। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ छत में ये देखने के लिए कि पानी आया है या नहीं आया है, मतलब पानी तो आ रहा है लेकिन देख रही हूँ चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा ऊपर, देखते हैं। आधा आधा तो आ रहा है, अभी नहीं हुआ बंद, भैया कह रहे बंद हो गया, अभी तो आ ही रहा है। वो रहे भैया जी कह रहे पानी बंद हो गया लेकिन पानी अभी आ ही रहा है, तो बस एक बार ऊपर का भर जाए ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है, ऊपर का भर जाएगा फिर मैं पीछे लगा दूंगी ताकि पीछे ना खेतों के लिए सही रहता है, थोड़ा खेतों में डालने के काम आ जाता है पानी। देखना हमारे घर में कितना हो रहा है ये, और हम इसकी चटनी नहीं खाते हैं फिर भी, इसकी अच्छी नहीं होती ना, पुदीना की अच्छी होती है, मुर्रिया की अच्छी होती है, ये पुदीना है शायद, मुर्रिया पुदीना एक ही होता है, ध्यान नहीं आ रहा, दो चीज दो होती है ना ऐसी होती है, एक पुदीना होता है एक दूसरा पता नहीं, एक को मुर्रिया बोलते हैं। ये देखिए सबके सब बाहर निकले हुए हैं, गर्मी इतनी हो रही है कि हवा तो चलने रही लेकिन बाहर निकले हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं, अंदर पंखा भी इतनी गर्म हवाएं फेंक रहा है। क्या बोल रहे हो मम्मी, आप खड़े होके चल तो जाओ पहले, नहीं चलोगे तो थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो फिर, देख रहे हो देख रहे हो कैसे बोल रहे हो, मैं नहीं करूंगी, क्यों क्यों नहीं करोगे, वो उधर बैठी हुई है तनु, उधर ताऊ जी हैं और ताई जी बैठी हुई उधर, ये देखिए आज दादाजी भी दिख गए, दादाजन मैं आज बहर, अच्छा तब ये आएंगे बोलती हूँ, दादा से पूछती हूँ क्या चाहिए। दादाजी प्रणाम। प्रणाम। क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए? चाहिए? हाँ सब ठीक है। क्या चाहिए? जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। ठंडा पानी चाहिए? ठंडा पानी। हाँ हाँ ठंडा पानी पे। बांझ का जड़ का पानी? बांझ की जड़ का पानी। हाँ ठंडा पानी भाई। नहीं नहीं बांझ की जड़ का पानी। हाँ बांझ जड़ा पानी। हाँ पांच है ठंडा पानी चाहिए। दादा का ठंडा पानी बोतल गर्म हो जाए, आजकल हो ही आजकल हो रहा है, थोड़ा सा भी निकाल लो ओ आ गए। चलो भाई लीजिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आज की व्लॉग को रखते हैं इतना ही, थोड़ा लेट आने वाला है ये व्लॉग, उसके लिए पहले ही मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। बाकी व्लॉग को देखिए सराहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह फैला दीजिए, बिल्कुल जैसे आग फैल रही है ना आजकल, जंगलों में आग लगी हुई थी बीच में इतनी ख़तरनाक तरीके से, इसीलिए गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सर पे मेरी गर्मी चढ़ गई है, इसलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन जैसे आग फैल रही थी ना जंगलों में वैसे ही फैला दीजिए व्लॉग को भी। तो
आप सभी से मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो बने रहिएगा सोनम राउत व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने।